अनजाने में ही सही, लेकिन लेकिन मैं आकाश का गुनहगार हूं। गुनहगार तुम नहीं हो यश, वो नियति थी, वो ईश्वर की इच्छा थी और मेरी भूल थी। बेटा तुम्हें तो जैसा ही पता चला, तुम खुद होकर उस लड़के को इस घर में लेकर आए। मेरी इच्छा की परवाह किए बिना घर के हर सदस्य के दिल में उसकी जगह बनाने की कोशिश की और तुम कुछ हद तक कामयाब हुए भी। लेकिन ये मानो कि तुमसे गलती हुई यश, तुमने उसे अपने जैसा समझकर अपनी सारी खुशियां, अपने सारे अधिकार थाल में सजाकर उसके सामने रख दिए, लेकिन उसे पचा नहीं पाया, वो घमंड में चूर हो गया। उसे ना तो रिश्तों की कद्र है न ही पैसों की। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इस घर में ऐसी अनहोनी घटेगी, इस परिवार को तबाह करके रख देगी। देखो, दशरथ ने राम को वनवास पर जाने दिया क्यों? क्योंकि राम की अनुपस्थिति में भरत था सब कुछ संभालने के लिए। अगर आज मेरा ये राम चला गया तो मेरे लिए ऐसा कौन भरत है तो मेरी सारी जिम्मेदारियां संभालेगा? बताओ, मेरी बात मान लो यश। आज तुम्हारे बाबूजी तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहे हैं, विनती कर रहे हैं तुमसे, मत जाओ ये घर छोड़कर। यश, मुझे तुम पर और आरती बहू पर जितना विश्वास है उतना किसी पर नहीं है, अपनी पत्नी पर भी नहीं, अपनी अर्धांगिनी पर भी नहीं, जिसके साथ अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए, हर उतार चढ़ाव देख लिए, उस पर भी नहीं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है क्योंकि गायत्री की नादानी देख चुका हूं मैं। ममता में अंधी होकर फिर कोई नादानी नहीं करेगी, वो ऐसा कैसे मान लूं मैं? जिम्मेदारी संभाल लो यश। मेरी बात नहीं मानोगे तुम? ठीक है, नहीं मानोगे तुम मेरी बात? जाओगे ना इस घर को छोड़कर, अपने बीवी और अपने बच्चों को लेकर जाओगे ना यहां से? जाओ, लेकिन अपने बाबूजी के अंतिम संस्कार के बाद। ये आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे बाबूजी, नहीं जाएंगे बाबूजी, आपके जान से बढ़कर कुछ नहीं है बाबूजी, हम नहीं जाएंगे बाबूजी। बाबूजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। आप देख रहे हैं ना भगवान, ये ठीक नहीं हो रहा है। मेरा बेटा आकाश 30 साल से जिस पहचान के लिए तड़प रहा था, आज उसे फिर अधिकार के बदले धुतकार मिली है। मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया कि मेरे पति भी मेरा साथ नहीं दे रहे? मैं माँ हूं, आकाश की माँ,
और एक माँ होने के नाते अपने बच्चे को प्यार देना, उसे अधिकार दिलाना, क्या ये गलत है? प्रभु अब बस बस आप ही का आसरा है, आप ही कुछ कीजिए। ए तुम्हारा भगवान कुछ नहीं करने वाला। दिन में दो दो बार आरती कीजिए, पूजा कीजिए, भोग लगाइए, लेकिन ये यहीं के यहीं खड़े रहेंगे, क्योंकि लड़ाई तो हमारी है ना, क्योंकि हक हमारा है। कोई मंदिर का प्रसाद नहीं कि दुनिया भर में बढ़ता रहे। अब हम देखते हैं कि हमारा हक कौन छीनता है हमसे। देखते रहिए आप। आकाश, आकाश सुन, भगवान कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहां से निकलने देंगे? अरे वो जो अंदर बैठा है ना हमारा बाप, दिमाग खराब हो गया है उसका, उम्र से पहले सटे आ गया है। इससे बात कर बाजू है हमारे। ए! चिल्लाओ मत, सब जानते हैं कि तुम गुर्रा काहे रहे हो, क्योंकि जायदाद तुम्हारे नाम पे हो गई है ना। लेकिन अब हम आ गए हैं, अभी तुम्हारी अकड़ कम कर देते हैं, अभी जमीन पर चलना सिखाते हैं तुम्हें। अरे आदर्श बेटे बनते हो ना अपने बाप के। मुन्ना, अपनी माँ को दिया हुआ वचन भूल गए क्या? के बाद यश भाई हम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। मां की तरह मुझे भी आकाश की हर शर्त मंजूर है। शाबाश, 30 साल से जो हमारे हिस्से का खा रहे हो ना, उसका एक एक करके बदला लेंगे। अब हम आ गए हैं, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आकाश भैया, क्या कर रहे हैं? हटिए यहाँ से। यश जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? आकाश भैया रुक जाइए। आकाश भैया पागल हो गए, यश जी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? पंकज भैया, प्रतीक भैया, बड़ा आदर्श बेटा बनता है अपने बाप का। हाँ, हम दिखाते हैं तुझे बड़ा आदर्श बेटा। पागल हो गए, बहुत आया हमारा हिस्सा ले। कुछ करिए ना, लेके दिखा दे। कुछ करिए ना प्रतीक भैया, पंकज भैया। अब बताते हैं हम तुम्हें, आदर्श बेटा बनता है अपने पाप का। ना मारने की कसम यश जी ने खाई है, मैंने नहीं। अच्छा, तो अब आप मारेंगे हमें भाभी जी? हाँ देवर जी, किसी को तो पहल करनी होगी आपको सुधारने की। आरती जी पे हाथ उठा तूने? कोई भी हमारे सामने आएगा उसे छोड़ेंगे नहीं हम।
यश क्यों मार रहा है उसे? अरे छोड़ दे, छोड़ दे। आका आकाश तू क्या कर रहा है? अरे तुम क्या कर रहे हो? यश छोड़ दे इसे। अरे तुम मेरा लड़ क्यों रहे हैं? छोड़ ले लेंगे इसकी हम। आकाश छोड़ दे, छोड़ दे आकाश, तू क्या कर रहा है? यश आकाश छोड़, आकाश इसे मेरी कसम है छोड़ दे। हमको यश नहीं है जो आपके तीन सब सुन के पिघल जाएंगे। हटिए आकाश, हमने कहा हटिए। जल्दी ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, दूसरा ऑपरेशन इमीडिएट करना होगा। डॉक्टर साहब आप प्लीज मां को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज सब लोग बाहर चले जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए, प्लीज आप लोग बाहर जाइए। प्लीज आप लोग जल्दी बाहर जाइए। कसम इन दोनों भाइयों की महाभारत ने आज मेरी भाभी को अस्पताल पहुंचा दिया।
हमारे लोग कहते हैं कि बेटों की मां रानी होती है, लेकिन हाय रे मेरी भाभी की फूटी किस्मत। चार चार बेटों के होते हुए भी आज बेचारी की हालत देखो। राम राम राम। कहावत सुनी है आपने, मुंह में राम और बगल में छुरी, आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप बुआ जी, हमारी मां की यह हालत उन्हीं के बेटे के कारण हुई है। उनके नाजायज बेटे के कारण। आकाश हॉस्पिटल में हो तुम, फिर से बात करो। क्या हा? अरे चिल्ला चिल्ला के सबको बताएंगे कि हमारी मां की आदत तुम्हारे कारण हुई है। उनके सौतेले बेटे के कारण, और वो भी नाजायज। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या क्या कहता है? काश भैया प्लीज हटिए। हटिए आप, हटिए। क्या कर लोगे? बोलो बोल, क्या कह रहा था तू? आकाश अब एक और शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ए, तो क्या करेगा? अरे धमकी मत दे हमें, हम डरते नहीं है तुझसे। जो कहना है जो करना है सब करेंगे हम। क्या कर लेगा? दिखा दिखा हमें क्या करेगा। जिस इंसान को मां बेटे के रिश्ते की समझ ना हो, जिसके मन में रिश्तों के लिए कोई इज्जत ना हो, उसे दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं, समझे? नहीं प्रभु, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मम्मी जी को जल्दी से ठीक कर दो। मैं और आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। बहुत परीक्षा ले ली आपने हमारी, लेकिन प्लीज मां का मत उठने देना हमारे सर से। मम्मी जी का आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना। उनकी जगह हमारी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज उन्हें जल्दी से ठीक कर दो प्लीज।
गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थ सीधये। मुझे तो लगा था मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन नहीं, इस मामले में भी आपने मुझे हरा दिया। अब देखिए ना आकाश, 30 साल तक आप अपने पिता के नाम के लिए भटकते रहे, लोगों की गालियां ताने सब कुछ सुनते रहे, लेकिन जब पिता का नाम मिला, परिवार मिला, तो आपके पिताजी ने क्या किया? अपनी जायदाद से आपको बेदखल कर दिया। पूरी प्रॉपर्टी तो यश की है ही, और वो दोनों भाई भी उसके साथ हैं। और आपके बाऊजी, बाऊजी ने तो कभी आपको अपना माना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गायत्री माँ के दम पर आप पकड़ते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन आज जो कुछ भी हालत है, उससे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब समझ रहे हैं ना आकाशी, मैं क्या कहना चाहती हूं। सिर्फ गायत्री माँ की हालत नहीं, आपकी हालत भी चिंताजनक है। हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? चलो यहां से, बकवास करती है। मुझे किसी भी चीज की बर्बादी पसंद नहीं है, ना वक्त और ना ही नमक। मैं तो कहती हूं कि लोहा गरम है, मारती से हथौड़ा। अच्छी भली होकर गायत्री माँ जो आपको ना दे सकी, क्या पता शायद आप दे दे, आपको आपका हक मिल जाएगा और यश को उसकी जगह। घुमा घुमा के बात मत करो, मुद्दे की बात करो। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे बेटा, संसार का हर सुख मिले तुम्हें। बस ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सर पर माँ का हाथ हमेशा बना रहे, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। जिसके मन में माँ के लिए इतना प्यार हो, उसे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है बेटा। यशी, मम्मी जी का ऑपरेशन हो गया। अच्छा, माँ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने यही कहा ना कि माँ ठीक हो जाएंगी। आरती जी, मुझे पूरा विश्वास था कि माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और आपको पता है माँ को हॉस्पिटल की स्मेल से बहुत नफरत है, और देखिएगा जैसे ही मैं वहां जाऊंगा ना तो माँ मुझे कहेंगी कि यश बेटा मुझे हॉस्पिटल से लेकर। क्या हुआ आरती जी, आप चुप क्यों? नहीं यश, मम्मी जी की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने उन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। संभालिए अपने आप को यशी, प्लीज। माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। अर्पित जी, कुछ नहीं होगा मम्मी जी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यश जी। बस थोड़ी हिम्मत रखिए, हमारी दुआएं हम सबकी प्रार्थना है ना उनके साथ, उन्हें कुछ नहीं होगा।
पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। नर्सों की दरबान हमारी माँ है, हमें पता है कैसे ख्याल रखना है। चलिए हटिए। हमारी जिंदगी खराब हुए जा रही है और ये चैन से सो रही। माँ, ओ माँ, हाँ माँ सुन रही हो, हमारा लाडला बेटा आकाश आया है। आकाश सिंधिया। माँ सुनो ना। अरे यार, माँ सांस आराम से सांस लो माँ, आराम से ख्याल ख्याल रखो अपना बस। माँ हमें माफ कर दीजिए माँ, वो क्या है ना, वो यश की वजह से हमारा सिर घूम गया था। गुस्सा उसने दिलाया हमें माँ, जबकि सारी की सारी नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है। अब देखो ना बाबूजी ने क्या किया, पूरी जायदाद उठाकर उस यश को दे दी। क्या हमारा कोई हक नहीं है इस घर पर? तुम्हारे बेटे का कोई हक नहीं है इस घर पर? माँ देखो ना, सिंधिया परिवार का इतना सब हिस्सा नहीं है हम कि हमें उस जायदाद में कुछ हक मिले। माँ हमारी मदद करो ना माँ, माँ प्लीज हमें हमारा हक दिलवा दे माँ। तुम हमारी माँ हो ना, अरे हमारी सगी माँ हो ना, हमें हमारा हक दिलवा दो माँ। बस अपने बेटे की जरा से भी मदद नहीं करोगी माँ? हाँ माँ, क्या है ना, हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी उस यश के खिलाफ कि यश ही ने तुम्हें धक्का मारा था। जब पुलिस यहाँ आएगी ना तो तुम ये बयान दे देना कि उसी ने तुम्हें धक्का मारा था, ठीक है, ताकि तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे अपने सगे बेटे को इस घर में, इस खानदान में उसका हक मिल जाए, इस जायदाद में हक मिल जाए। रही बात उस यश की, तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। अपने बेटे की मदद करेगी ना? हाँ करेगी ना हमारे लिए ये? अरे सके बेटे हैं हम तेरे, बोलना माँ प्लीज बोलना। हाँ मदद करना हमारी माँ, माँ हमारी बात सुन रही है ना? हाँ अपने बेटे की, अपने सगे बेटे की मदद तो करेगी ना? बस माँ दिलासा दे दे हमें इस बात का कि तू करेगी हमारे लिए। दे ना बयान माँ, जैसे ही पुलिस वाले आएंगे कह देना उनको कि यश ने ही तुम्हें गिराया था, समझी हो? माँ होश में हो ना? ओ माँ सुन रही हो हमारी बात? देख माँ तेरे बेटे हैं हम, देख माँ तेरे बेटे हैं हम, सुन रही है ना हमारी बात माँ? हाँ इस वालों को बयान दे देना, बस जो कह रहे हैं वो कर देना माँ। अरे बोल माँ बोल, बोल। बोलती क्यों नहीं? बोल ना माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? माँ का हाथ छोड़ो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए सब मिलेगा, धन दौलत सब तुम्हारे नाम हो जाएगा, लेकिन प्लीज माँ को तंग मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं समझे तुम? हाँ हाँ ठीक है, बात पर कैसे यकीन कर लें? पहले जाओ जाकर जायदाद के वो कागज लेकर आओ,
जिस पर हमारे पापा ने तुम्हारा नाम लिख दिया था। हमें हमारा नाम चाहिए उस पर, समझे? मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा तुम्हें। बस मुझे मेरी मां चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन कहते हो, लेकिन बिजनेस की जरा सी भी रत्ती भर समझ नहीं है तुम्हें। अरे इतनी बड़ी जायदाद के बदले में मां रख रहे हो? बहुत बड़ा खाटे का सौदा है, लेकिन ये तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही कर सकता है। ये बिजनेस तुम नहीं समझोगे। बिजनेस की गणित हमें मत सिखाओ, हमें पता है कि नफा और नुकसान सब एक। तो मैं गणित नहीं देखी जाती आकाश भैया, भावनाओं को देखा जाता है। और दुनिया में मां से अनमोल दौलत और कुछ नहीं होती। पता नहीं आप ये बात कब समझेंगे। बस हमारी मां ठीक हो जाए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई, भाभी जी क्या डायलॉग मारते हैं आप, देख रही हो मां, सुन रही हो इनकी बातें? इनकी बातों में मत आना, चिकनी चुपड़ी बातें करने में एक्सपर्ट हैं दोनों। मां हम तुम्हारे सगे बेटे हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन इन दोनों का क्या भरोसा, कब छोड़ के चले जाएं पता नहीं चलेगा तुम्हें। हमारी बात याद रखना, भरोसा मत करना इन पे। अच्छी माँ है हमारी, जल्दी से ठीक हो जाओ। का बयान लेने आए आप, लेकिन क्यों? वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, किसने कंप्लेंट की है और कौन कर सकता है ऐसी हरकत? बुआ जी, कहीं आपने तो क्या? नहीं नहीं, मेरे भगवान की कसम, मैंने कुछ नहीं लिखवाया है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, आपको तो सब मालूम होगा, बताइए ना। हमें नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। कंप्लेंट दर्ज हुई है तो प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, हमें गायत्री जी का बयान लेना है। खाने में अचार और जिंदगी में मसाले बहुत जरूरी है। अच्छा किया जो पुलिस को बुला लिया, अब लेंगे चटकार। हमें किसी ने बताया कि गायत्री जी को जानबूझकर किसी ने धक्का देकर गिरा दिया गया है, शायद कोई घरेलू झगड़ा हो, इसलिए हम इनकी इंक्वायरी करने आए। देखिए जो भी हुआ वो हादसा था, आप यकीन कीजिए। जो भी है अब हमें गायत्री जी बताएंगे। बताइए गायत्री जी, क्या हुआ था? क्या सच में आपको किसी ने जानबूझकर धक्का देकर गिराया? प्लीज बताइए, कुछ तो बोलिए।
कोशिश कीजिए प्लीज। उसने आपको धक्का दिया था, बोलिए ना। मैं अपना बयान दे चुकी हूं। Oh.
अपना ख्याल रखिए, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। पंकज मैत्री तुम चुप रहो, तुमको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया। नहीं जी, एक आखिरी बार आपका कहना नहीं मान, मुझे कहने दीजिए ना।